सर, हेलो सर। अस्सलाम वालेकुम सर, मैंने ज्वाइन कर लिया। जी अस्सलाम वालेकुम, आप लोग कैसे हैं? सब लोग खैरियत से हैं? वालेकुम सलाम जी सर। अलहमदुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र मिल सर। सबको। जी अलहमदुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज हम क्या पढ़ेंगे सर? जी आज हम क्या पढ़ेंगे? आप लोग बता दें क्या पढ़ना चाहते हैं, आज आखिरी दिन है। सर, जो आपको मुनासिब लगे या जो आप समझते हैं कि हमें पता होना चाहिए, आज वो पढ़ा रहे हैं। चले मैं अपनी तरफ से सारी चीज़ें आज कोशिश करूंगा क्लियर करवा दूं, जो चीज़ें बता सकता हूं, इंफॉर्मेटिव जितनी भी चीज़ें हैं। वैसे तो बताई हैं, कुछ लोग क्लासेस कभी आए हैं कभी नहीं आए, मिस करते रहे हैं, तो होपफुली उनके लिए शायद मुश्किल हो, लेकिन जिन्होंने सारी क्लासेस अटेंड की हैं होपफुली उनकी क्यूरीज काफ़ी हद तक क्लियर हो चुकी होंगी, और जो रह गई हैं इंशाल्लाह आज क्लियर कर देंगे। अगर किसी का कोई सवाल है तो पूछ सकता है, जब तक लोग ज्वाइन करते हैं होपफुली के आज भी लोग कम होंगे, जैसे जैसे आहिस्ता आहिस्ता आगे दिन बढ़ते जा रहे हैं तो लोग कम होते जा रहे हैं आज लास्ट। अच्छा, सब्सक्रिप्शन देखें, मैं तो अपने थ्रू मार्केट से लेता हूँ, लाइक मेरे पास जो लड़के मेरे साथ काम करते हैं रीसेलर्स, उनसे उनके थ्रू मैं लेता हूँ, और अगर चाहिए होगी तो होपफुली मैं बात कर लूंगा, नो इशू। आप मुझे टेक्स्ट कर दीजिएगा मेरे नंबर पे, मैंने नंबर दिया था उस पर टेक्स्ट कर दीजिएगा, मैं इंशाल्लाह ट्राई कर लूँगा कि आपको लेके दे दूँ किसी भरोसेमंद आदमी से, क्योंकि मार्केट में फेसबुक पे स्कैम बहुत ज़्यादा है। अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे आप सर? अलहमदुल्लाह सर, आप क्लास सुनाएं। आपकी अहम 16 बच्चे हैं, जी 16 बच्चे हैं क्लास में। बस सर यही मैं कह रहा हूँ बच्चों से कि बच्चे कम हो गए इस मीन, अभी जो मेरे अंदर एक पोटेंशियल था, मैं समझता था कि शायद ना मेरे जो सिंध के लोग हैं, कराची के लोग, कराची के तो मुझे यहाँ मेरे पास फिजिकली आ रहे हैं, मुझे इस चीज़ से आइडिया है,
कि कराची के लोग तो बहुत ज्यादा इस चीज के वो हैं, दीवाने हैं, लेकिन मैं समझता था कि सिंध के लोग जो हैं वो यहाँ से जो लोग जा रहे थे, क्योंकि वहां जाके पंजाब में जब वो सोशल मीडिया ग्रुप्स के ऊपर एक्टिव होते हैं तो वो लाजमी बात है मैं भी वहाँ एक्टिव हूँ, तो मुझे वहां से पता लगता रहता था कि यहाँ सर हम सिंध से आए हुए हैं वो कोर्स करने के लिए। मैंने कहा वाह यार क्या बात है, आप लोग सिंध से गए हुए हैं, सिंध में क्यों नहीं आए आप यहाँ मेरे पास। तो वो मैं एक चीज समझता था कि शायद ये दरमियान में कुछ थोड़ा सा वो है, गैप है कि सिंध में कोई ऐसी है नहीं, इंस्टीट्यूट नहीं है या ऐसी कोई चीज पढ़ा नहीं रहा, तो वो अब मुझे इससे क्लियरिटी हो गई है कि शायद सिंध के लोग इसमें इंटरेस्टेड ही नहीं है। नहीं इंटरेस्टेड है सिकंदर, जो फर्स्ट डे मैंने कहा था ना, लोग फ्री वाले में इंटरेस्टेड नहीं है, फ्री को ये समझते हैं काफी लोग कि हम दे और आप जो है फ्री है, हमारे पास कोई काम नहीं है, तो हम सारा दिन बैठ के बातें कर रहे हैं, तो मुझसे पहले दो बंदे करवा रहे हैं, एक लाहौर में सर शहजाद मिर्जा है जिन्होंने इस कोर्स को पाकिस्तान में लॉन्च किया था, और एक उसके बाद है सर गुफरान जो कि उकाड़ा में है। अच्छा वो दोनों फीस लेते हैं 20,000 से कम, एक रुपया भी नहीं करते, वो फुल कोर्स फीस लेते हैं। अच्छा उसके बाद उसकी 10,000 रुपए जो है वो हॉस्टल चार्जेस हैं, 10,000 रुपए उनके मेस चार्जेस हैं, और अगर आप सिंध से वहां जाते हैं तो होपफुली आने जाने का किराया भी 10,000 हो जाएगा, 50,000 रुपीज बनता है ये। चले इसको तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, फिर आखिरी क्लास है जो बच्चे इंटरेस्टेड है उनको लास्ट क्लास दीजिए और उनसे आखिरी फीडबैक लीजिएगा कि आपने क्या समझा क्या नहीं समझा। जी बिल्कुल, आगे भी करवाना चाहिए, नहीं करवाना चाहिए, बट अगर करवाना भी चाहिए अब नेक्स्ट टाइम तो कैसे ना करवाएंगे, नहीं कुछ तो हैं जो 4-5 बच्चे तो ऐसे हैं कि जो के जिन्होंने सब क्लासेस अटेंड किए हैं और वो नहीं, कुछ ऐसे बच्चे भी हैं सिकंदर, मैं सॉरी आपकी बात कर रहा हूँ, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो कि जॉब कर रहे हैं, वो बेचारे बाद में रिकॉर्डिंग देखते हैं, क्योंकि ये टाइमिंग हमने ऐसी रखी थी जो ऑफिस में काम करते हैं उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है ज्वाइन करना, तो वो बेचारे ऑफिस के बाद रिकॉर्डिंग देख कर वो सारी चीजें देख लेता है, थोड़ी टाइमिंग कह सकते हैं कि हाँ हमने भी 4-5 सी रखी है कि थोड़ा ऑफिस वालों के लिए या वर्किंग लेडी के लिए थोड़ा इशू है। जी बिल्कुल, बाकी हाँ बाकी जो दूसरे हैं जो कि अभी तक स्ट्रगलिंग कर रहे हैं कि किसने कहीं कहीं ना कहीं जॉब लग जाए या कहीं ना कहीं हमारा फिलोसफी में करियर बन जाए, तो वो डेली बेसिस पे क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, बाकी तो आपको पता है कि हर कोई तो सर्वाइव नहीं कर सकता फिलोसफी में ना, ऐसा ही है, तो हर कोई तो फिलोसफी नहीं बन सकता, उसमें क्या हमारी मेहनत है और क्या रातें जागना है वो तो सबको नहीं पता, उनको सब लग रहा है डॉलर्स क्या है, डॉलर्स उनके पीछे की हकीकत नहीं पता कि उसके पीछे की हकीकत क्या है, और ये नहीं पता उस बंदे ने 5-6 साल क्या किया है, 3 साल क्या किया है जिसके वजह से वो आज घर बैठ के 3,000-4,000-5,000 डॉलर पर मत कमा रहा है। तो ये चीज है, अगर जैसे हम मतलब इसके अंदर अगर हम थोड़ी सी एफर्ट कर लें, जो इस चीज को मैंने नोट किया कि अगर आप 2-4 महीने इसके अंदर अच्छे लगा लेते हैं फ्रीलांसिंग फील्ड में, तो ऐसा है कि आप जैसा एक साल में फ्रीलांसिंग से, अगर मैं अपनी अभी मिसाल दूं तो मैंने समझ लें कि टोटल 6 मंथ मेरे हुए होंगे आफ्टर कोर्स ना, 6 मंथ में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तकरीबन 7,000 डॉलर्स जो है ना वो अर्न कर लिए हैं, और मैं अगर कहूं कि ये जॉब होती तो जॉब से तो कभी भी इतना अमाउंट अर्न कभी 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 पॉसिबल नहीं था। ये तो आप फिर भी 4-5 महीने कह रहे हैं कि 4-5 महीने बच्चे स्ट्रगल कर रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ कि लास्ट बेस्ट में जो मैंने ट्रेड शो का कोर्स करवाया था 2 महीने का कोर्स था, वो शॉर्ट कोर्स था, उस 2 महीने के कोर्स में टोटल बच्चे मेरे पास आए थे 25, उस 25 में से आपको पता है कि पेड होता है तो सारे बच्चे इंटरेस्ट देता है, तो 25 में से अल्हम्दुलिल्लाह 17 बच्चे वो थे जो कि अर्नर थे, जो इन्हीं 2 महीने के अंदर ही उन्होंने इतना पिक किया, उन्होंने इतना सीखा, इन्होंने इतना उसको समझा कि 2 महीने के अंदर ही उन्होंने महीने के 2-3 डॉलर कमाना शुरू कर दिया, तो सारी बात इंटरेस्ट की है। 2 महीने भी बहुत है अगर आप थोड़ा रच के लगाते हो तो, अगर आपको नहीं करना फिर तो सालों बैठे रहो, फिर तो कुछ होगा, बस फिर कुछ बच्चे आते हैं ना उनसे अगर आप कहोगे यार प्रैक्टिस तो करके आया करो जो मैंने लास्ट क्लास बताया पढ़ाया था, फिर सर कर लेंगे जब कोई क्लाइंट आएगा तो कर लेंगे, मैंने कहा कर लेंगे। ऐसा हमारी फील्ड में भी है, बच्चे सुन रहे हैं, ये लोग क्या करते हैं कि इन लोगों की वो अभी फिलोसफी बनी हुई है कि जब क्लाइंट आएगा तो फिर हम साइट करने जाएंगे। अच्छा फिर पता है फिर क्या होता है, फिर मैं अपना रिसेंटली भाग्य बताता हूँ, रात को हमारा भी हक है सोने का, तो रात में मैं उस दिन 11 बजे सो गया गया था, 11 बजे सो गया, उसके बाद 1 बजे क्लाइंट आया, अब क्लाइंट ने सिर्फ क्यूरी कर रहा था कि भाई सैंपल दो ये करो वो करो, अब उस बच्चे के पास सैंपल थे क्योंकि क्लास में कुछ पढ़ा नहीं था, सैंपल डिजाइन वो करता नहीं था, पोर्टफोलियो बनाता नहीं था, अब रात को 2 बजे उसने कह दिया भाई पोर्टफोलियो दिखाओ तुमने पास में क्या काम किया क्या नहीं किया, अब वो सारे वो मुझे मैसेज करता रहा, मुझे कॉल करता रहा, नंबर पे कॉल की मैंने नहीं उठाई, व्हाट्सएप पे कॉल की नहीं उठाई, फिर मुझे फेसबुक पे कॉल की नहीं उठाई,
मैं सुबह जब उठा, मेरी आदत है कि मेरा एक पर्सनल नंबर है जो कि घर वालों के लिए अगर कोई इमरजेंसी हो जाती है तो उस नंबर पे कॉल करके मैं जगा देता हूँ। अदरवाइज जो ये नंबर है जो सबको दिया हुआ है ये रात को बंद हो जाता है, इसको मैं वो कर देता हूँ, साइलेंट कर देता हूँ। फिर आज सुबह मैंने उससे पूछा कॉल की कि भाई क्या हो, खैरियत तो होगी, तुमने सारे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म थे मुझे तुमने कॉल कर करके मुझे हर जगह पे नहीं छोड़ा था, क्या सीन था? कहना सर आपकी वजह से रात को मेरा क्लाइंट मिस हो गया। मैंने क्या किया? कहना सर वो एक बजे क्लाइंट आया, उसने कहा पोर्टफोलियो था, मेरे पास पोर्टफोलियो था नहीं, मैंने आपको मैसेज किया, उसने फिर कुछ से कुछ चीजें पूछी कि भाई ये चीज है मेरे पास, ये चीज नहीं है, क्या तुम कर सकोगे? तो मुझे तो पता था नहीं, आपने रिप्लाई दिया तो मेरे क्लाइंट चला गया, उसने किसी और को रिप्लेस कर दिया। अब ये भी गलती हमारी, हम जाग रहे थे और वो क्लाइंट से वो चीजें मांग रहा था, उसको पता नहीं थी, वो भी पूरा ब्लेम सर के ऊपर, सर नहीं जाग रहे जिसकी वजह से क्लाइंट सर ने नहीं दिया, सर ने अपना पोर्टफोलियो थोड़ी देना आपको, तो क्लाइंट चला गया। तो मैंने कहा यार अजीब सी बात है, मैंने तुम ना करो और सारा इल्जाम मुझ पे लगा दो, तो ये भी यही बड़े बड़े लोग आपको मिल जाएंगे। फिर आज चले हमने काफी बात कर ली, बच्चों का टाइम लीजिए क्योंकि आज मेरी ऑफिशियल क्लास है, आईबीए की पहली क्लास है बच्चों की, तो 5:30 बजे वो स्टार्ट हो जाएगी, तो 5:30 से पहले आप क्लास एंड कर लीजिएगा 5:15 तक, तो फिर मैं अपने आईबी के बच्चों को देख लूंगा। चले जी स्टार्ट करते हैं और गो अहेड आपके लिए। थैंक यू जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब जो ऐड करने आज आने वाले हैं, बच्चे सीखने वाले वो आ गए हैं, और मुझे अगर दो तीन किसी का कोई इन हैंड सवाल है, किसी के ऐसी कोई चीज़ है जो कि अच्छा हाँ इसके बारे में मैं बताता हूँ, कोई भी सवाल है तो वो मुझे क्लियर करें ताकि मैं जो आज की क्लास है क्योंकि हमने इसको एंडिंग पे लेके जाना है तो ताकि हम उस हिसाब से इसको एंड करेंगे। किसी का कोई सवाल, कोई ऐसी चीज़ जो कि इस फील्ड के बारे में समझ ना आ रही हो या समझना चाह रहे हो तो वो मुझे बता दें ताकि उसको भी मैं इसमें ऐड कर दूंगा। कोई नहीं है किसी का सवाल? मेरे ख्याल से सारे के सारे मास्टर्स लोग हैं। अच्छा मैं जो है मुझे किसी ने कहा है कि एक तो फाइवर टेस्ट के रिगार्डिंग, तो फाइवर टेस्ट के रिगार्डिंग ये बता दूं कि फाइवर टेस्ट में अगर तो आपकी इंग्लिश अच्छी है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, नहीं अगर इंग्लिश अच्छी तो फिर आपका सबसे अच्छा गूगल है दोस्त, गूगल को अपना दोस्त बना लें और होपफुली कि आप आराम से इंशाल्लाह टेस्ट क्लियर कर जाएंगे। इसके लिए किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ और सिर्फ गूगल ही आपके लिए काफ़ी है, किसी और को अपने साथ लाने की या करने की नहीं जरूरत, गूगल को यूज करें, इंशाल्लाह आपका टेस्ट क्लियर हो जाएगा फाइवर का। अच्छा दूसरा भी मैं ओवरऑल स्टार्ट से लेके, अच्छा ठीक है ये भी बताता हूँ, शेयर करता हूँ स्क्रीन आपको चीजें बताता हूँ। अच्छा ऐसा है कि हमने जैसे स्टार्ट से कोर्स में पढ़ा कि लाइक गेस्ट पोस्टिंग होता क्या है, उसके बाद लिंक इंसर्शन क्या होता है ये भी बताया आपको मैंने, एडमिन क्या होता है, ऑथर क्या होता है, ऑथर पोस्ट होती क्या है, एडमिन पोस्ट क्या होती है ये भी चीज़ें बताई, उसके उन दोनों के दरमियान में डिफरेंस क्या होता है कि ऑथर और एडमिन में कोई ऐसा डिफरेंस मेन, वो भी आप लोग को चीज़ें मैंने बताई हैं। उसके अलावा आपको डू फॉलो लिंक्स नो फॉलो लिंक्स के रिगार्डिंग मैंने बताया था। अच्छा उसके बाद अगर हम आए तो मैंने स्क्रीन शेयर करके आपको फाइवर की आईडी दिखाई, उसके ऊपर कीवर्ड रिसर्च करना भी सिखाया कि कीवर्ड आपने कैसे रिसर्च करना है किसी भी नीश के रिगार्डिंग, लाइक फैशन ट्रेवल कोई भी है उसके रिगार्डिंग आपको बताया है। उसके अलावा टूल्स के ऊपर मैंने आपको काम करना सिखाया कि अगर आपको कोई साइट उठानी है उठा के उसको वो टूल्स के ऊपर चेक क्या करना है और आपने क्या चीज़ें टूल्स के ऊपर से नोट करनी है। लाइक मैं अब अपना सेमरेश टूल यूज़ करता हूँ तो आपको डीए और उसके अलावा एक ट्रैफिक की नीड होती है, इसके ज़्यादा इससे ज़्यादा बढ़ के कुछ नीड नहीं होता, तो वो दोनों चीज़ें आप अपने पास ऐड कर सकते हैं और बाकी सारी चीज़ें आपको वैसे ही मिल जाती हैं, लाइक गूगल से मिलती हैं, गूगल हंट कर रहे हैं तो गूगल से मिल जाती है, और अगर गूगल से हंट नहीं कर रहे हैं कहीं और से ले रहे हैं लाइक लिंक्डइन फेसबुक से ले रहे हैं तो आपको इसके लिए ज़रूरी होता है कि आप उसको टूल्स पर चेक कर लें। अच्छा दूसरी एक बात बड़ी बता दूँ आपको कि जब आप गेस्ट पोस्टिंग का काम स्टार्ट करते हैं तो एक चीज़ तो ये है कि आपको आउटरीचिंग अच्छी आनी चाहिए, आपको बार्गेनिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए जो कि आप एडमिन से करें किस तरह करें, ये चीज़ें आपको एक तो बहुत अच्छे से आना चाहिए क्योंकि ये आपका मेन फैक्टर है, ये आपकी प्राइस कम लाता है, जितना कम करवाएंगे इतना आपका मार्जिन बढ़ जाता है, जो कि मेरे हिसाब से मैंने नोट किया कि मैं जितनी प्राइस कम करवाता था मैं उसी हिसाब से मार्जिन अपना बढ़ा लेता था, तो मुझे क्लाइंट मार्जिन दे देता क्योंकि मेरी अपनी एक वो है कि एक ट्रिक है या मैं अपनी उसको कहूँ कि मार्केटिंग की वो है तरीका है कि जिससे मैं अच्छा मैं उससे प्राइस कम करवा लेता था और फिर उसके बाद मैं अच्छा मार्जिन रख के क्लाइंट्स को दे देता था। अच्छा अब ऐसा है कि एक तो आपको ये चीज़ लाजमी अच्छी आउटरीचिंग करनी है, दूसरा आपको अच्छा कीवर्ड रिसर्च करना है, अच्छा कीवर्ड रिसर्च करेंगे फाइवर की बात कर रहा हूँ,
अच्छा कीवर्ड रिसर्च करेंगे तो आपको उसके ऊपर जो है ना कंपटीशन कम होना चाहिए, ये याद रखिएगा। अगर कंपटीशन कंपटीशन कम होगा तो होपफुली ये कि आप उसके ऊपर जल्दी रैंक कर जाएंगे, क्योंकि फाइवर के ऊपर क्लाइंट हंट नहीं होता, फाइवर के ऊपर आपको कीवर्ड रिसर्च अच्छी करनी होती है। अगर कीवर्ड रिसर्च अच्छी होगी तो होपफुली कि आपको जो है ना क्लाइंट आसानी से मिल जाएगा, क्लाइंट खुद आता है फाइवर पे, आपको हंट नहीं करना पड़ता। बाकी लिंक्डइन से हंट कर सकते हैं आप, लिंक्डइन और फेसबुक से जो है ना, फेसबुक के आप डिफरेंट ग्रुप्स ज्वाइन करें। अच्छा आपको मैं एक चीज बता दूं, गेस्ट पोस्टिंग में आपका फेसबुक और लिंक्डइन ये दोनों आपके बाजू है। अगर ये आपके साथ नहीं है तो होपफुली के मैं आपको एक चीज बता दूं कि आपको बहुत सारी वो हो जाती है इसमें परेशानी क्रिएट। इस तरह होती है कि एक क्लाइंट आपके पास आता है, साइट्स लेने आता है, आपके पास डायरेक्टरी में तो कुछ लिमिटेड साइट्स होंगी, लाइक 100 या 200 होंगी, लेकिन अगर आपके पास फेसबुक और लिंक्डइन है तो मैं समझता हूँ कि आपके पास एक वेस्ट क्वालिटी बहुत ज्यादा जो है ना तादाद में आपके पास जो है वो हो जाएगी, साइट्स मिल सकती हैं, क्योंकि आपको कोई भी साइट चाहिए होती है। तो उसके लिए एक चीज बता दूं कि जैसे आप फाइवर या गेस्ट पोस्टिंग का काम स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको साथ में फेसबुक और लिंक्डइन का अकाउंट भी क्रिएट करके साथ ही उसको बिल्ड करना है, उसको अच्छा बनाना है, उसको आहिस्ता आहिस्ता उसके ऊपर पोस्टिंग करें, उसके ऊपर ऐसे लोगों को ज्वाइन करें। अच्छा एक चीज नोट कर लें, अगर तो आप लोग के प्रीवियस अकाउंट्स हैं लाइक फेसबुक या लिंक्डइन पे तो उससे बिल्कुल डिलीट कर दें, या उससे उससे आप दूसरा अकाउंट चेंज कर लें। लाइक ऐसे अगर उसके अंदर आपके पास ऐसा है कि उसके अंदर आपने अपने रिश्तेदारों को ऐड किया हुआ तो वो आपके काम के नहीं है। एक चीज याद रखना, अगर करियर में सक्सेस करनी है आपने तो अपना फेसबुक और लिंक्डइन अकाउंट दोनों की चीजें बता दूं, आपने इसमें वो लोगों उन लोगों को ऐड करना है जो कि आपके बिजनेस से रिलेटेड होंगे, लाइक एसईओ का रिलेटेड होगा, लाइक गेस्ट पोस्ट के रिलेटेड होगा। अगर आपने अपने किसी तीसरी या चौथी गली से बंदा ऐड किया हुआ है तो वो एआई के ऊपर चल रहा होता है, वो नेक्स्ट डे आपको अगली गली का एक उसमें बंदा आपको सजेस्ट करके देगा कि आप इसे भी अपना दोस्त बना लें। तो आपने ऐसे लोगों को नहीं बनाना जब आप गेस्ट पोस्टिंग के रिलेटेड या आप अपने इसके एसईओ के रिलेटेड लोग ऐड करेंगे अपने साथ, तो आपको एआई सारे के सारे लोग वही देगा जो कि आपके फील्ड के रिलेटेड होंगे, और वो आपकी जी वो आपकी जो है क्या करेंगे, हेल्प कर सकते हैं आपको। जब भी चाहिए होगी आपको वेबसाइट्स चाहिए होती हैं डेल, आपको वो उसके आपकी साइट के ऊपर जो है वो आपको जितनी जल्दी से जल्दी हो सकता है, लोग रिप्लाई कर रहे होते हैं कि ये मेरे पास अवेलेबल है या नहीं है या जो भी है, आपको साइट्स का एक वाफिर मकदार में आपके पास वो जमा हो जाती है, फिर आप इजिली अपने क्लाइंट्स को डील कर सकते हैं। तो फेसबुक और लिंक्डइन को लाजमी अपने साथ लेके चल रहे हैं, आपने आहिस्ता आहिस्ता अकाउंट बिल्ड करना स्टार्ट करें ताकि 2-3 महीने में आपका अकाउंट अच्छे से बिल्ड हो जाए। अगर अकाउंट अच्छे से बिल्ड हो जाएगा तो होपफुली कि आपको वो बहुत ज्यादा फायदा देगा, क्योंकि मैंने इससे बहुत फायदा लिया है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा फेसबुक अकाउंट और जो लिंक्डइन अकाउंट है वो दोनों बहुत अच्छे जा रहे हैं, और सिर्फ ऐसे लोगों को ऐड करता हूं जो कि मेरी फील्ड से रिलेटेड होते हैं, आउट ऑफ उस पे नहीं जाता मैं। एक तो ये बात लाजमी आपने याद रखनी है, दूसरा कीवर्ड रिसर्च करते वक्त कोशिश करनी है कि आपने फाइवर के ऊपर लो कंपटीशन कीवर्ड सर्च करना है। लाइक कोई भी नीच है, आप फैशन के रिलेटेड कर रहे हैं या ट्रेवल के कर रहे हैं, कोई भी नीच है तो आपने कोशिश करनी है कि लो कंपटीशन कीवर्ड ढूंढना है। आप अपनी गिग के अंदर अपने टाइटल के अंदर 3 से 4 जो है ना वो कीवर्ड अच्छे इस्तेमाल, 5, 6, 7 तक भी कर सकते हैं। अगर आप 7 कीवर्ड भी ऐड कर सकते हैं तो मैं ये समझता हूं कि आपकी अगर 7 गिग्स बनती हैं तो 50 कीवर्ड्स को आपने हिट कर लिया। 50 कीवर्ड में से कोई 2-4 कीवर्ड तो ऐसे होंगे कि जो रैंक हो सकते हैं, जिनके ऊपर क्लाइंट आ रहे होते हैं, तो आपने ऐसे सर्चेबल कीवर्ड्स पे गिग बनानी है ताकि वो आपको फायदा भी दें। अच्छा लो कंपटीशन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि उसके ऊपर सर मैंने एक ऐसा कंपटीशन ढूंढा है जिसके ऊपर टोटल 10 गिग्स हैं और वो आपके काम का नहीं है। ऐसा कंपटीशन ढूंढना है जिसके ऊपर ऑर्डर भी आ रहे हो और वो लो कंपटीशन भी हो, तो आपने ऐसे कीवर्ड्स के ऊपर गिग बनानी है। अच्छा 4 से 5 अगर कीवर्ड ऐड कर रहे हैं तो उसमें से 3 कोशिश करें, 3 या 4। देखिए आप इसको इसमें से कोई अपनी गिग डिलीट करके सवालों के जवाब में, इसलिए पहले आप लोगों से पूछ रहा था बता दें, तो अभी आप थोड़ा सा वेट कर लें, मैं अपने इसको बात को कंप्लीट कर लूं फिर आपसे सवाल पूछता हूं, आपको इंशाल्लाह इसका जवाब भी देता हूं। अच्छा अब आपको मैं कीवर्ड के बारे में बता रहा था कि आपने कीवर्ड जो है 3 से 4 ऐसे कीवर्ड हैं जो कि लो कंपटीशन आपने ऐड करने हैं, और 1 से 2 कीवर्ड ऐसे हैं जो कि आप हाई कंपटीशन भी ऐड कर सकते हैं, ताकि आप जब लो पे रैंक होते हैं तो आपको हाई पे रैंक होने में कोई मुश्किल नहीं होती, आप आसानी से हाई के ऊपर भी जाके रैंक हो जाते हैं।
तो ऐसा है कि एक तो कीवर्ड रिसर्च अच्छी हो, दूसरा आपकी आउटरीचिंग अच्छी हो ताकि आपको इसके लिए मुश्किल ना हो, और थर्ड वन आपको मैं इस तरह बता दूं कि फाइवर के ऊपर जब भी आपने अकाउंट क्रिएशन से लेके गिग क्रिएशन तक जब आप अपना अकाउंट बना रहे हैं, लाइक अगर देखें कुछ लोगों की और स्किल्स हैं, मुझे नहीं पता कि क्या क्या स्किल्स हैं, लेकिन ऐसा है कि अगर आप गेस्ट पोस्टिंग के रिगार्डिंग बना रहे हैं तो आप अपनी जो डिस्क्रिप्शन बनाते हैं उसके अंदर आपने अपना बायोडाटा में गेस्ट पोस्टिंग, फैशन गेस्ट पोस्ट, ट्रेवल गेस्ट पोस्ट अपनी डिस्क्रिप्शन के अंदर लाजमी ऐड करना है। प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन के अंदर वो कीवर्ड लाजमी ऐड करने हैं जिनके ऊपर हम काम कर रहे होते हैं, लाइक फैशन गेस्ट पोस्ट, ट्रेवल गेस्ट पोस्ट, जितनी भी क्रिप्टो गेस्ट पोस्ट, हेल्थ गेस्ट पोस्ट, ये सब उसमें ऐड करना है। लिंक बिल्डिंग, गेस्ट पोस्टिंग, इस तरह की अपनी डिस्क्रिप्शन बनानी है ताकि आपके कीवर्ड उसके अंदर ऐड हो जाएं। उसके बाद आप जब गिग पे आते हैं तो आपने पहले कीवर्ड रिसर्च किया, कीवर्ड रिसर्च करने के बाद आपने उसके अंदर टाइटल ऐड करना है अपना। जब आप टाइटल ऐड करेंगे तो टाइटल ऐड करने पे ऐसा होगा कि आपको टाइटल जितना अच्छा टाइटल होगा उसके अंदर कीवर्ड्स ऐड हुए होंगे, इसी तरह आपने वो कीवर्ड्स को अपनी प्राइसिंग में भी ऐड करना है और टैग्स में भी ऐड करना है। पहले आपके टाइटल में वो कीवर्ड आएंगे, उसके बाद वो आपके टैग्स में चले जाएंगे, टैग्स के बाद वो आपके प्राइसिंग में भी ऐड होंगे। प्राइसिंग के बाद जब प्राइसिंग में आपने अपने टैग्स ऐड कर लिए हैं तो नेक्स्ट आपके कीवर्ड्स वो आते हैं, कीवर्ड्स वो जाके टाइटल वाले वो आते हैं डिस्क्रिप्शन में, डिस्क्रिप्शन में भी आपने ऐड करने हैं। डिस्क्रिप्शन के बाद आपकी इमेज आती है, थंबनेल आता है, थंबनेल के ऊपर भी आपने अपने कीवर्ड्स को ऐड करना है। मींस ये कि आपके कीवर्ड्स जो हैं वो स्टार्ट से लेके एंड तक हर जगह उसके अंदर ऐड होने चाहिए, फिर आपको बहुत ज्यादा चांस है कि आप उस पे जल्दी से जल्दी क्लाइंट को आपको टच कर लेगा। दूसरा, जब आपकी अच्छी गिग बन जाती है, अच्छी गिग आप देखते हैं कि वो मिनिमम और कुछ नहीं तो ऑफलाइन में नहीं ऑनलाइन में फर्स्ट पेज पे आ रही है, तो फिर जस्ट आपको ऑनलाइन रहना है, इसके अलावा आपको कुछ काम नहीं करना। ऑनलाइन रहने के साथ एक काम ये जरूर होगा कि आपको अपनी आउटरीचिंग अच्छी बनानी है ताकि आपको जब आपके पास कोई भी क्लाइंट आए तो आप ऐसा ना हो कि आपकी टांगे फूलने लग जाएं कि अब क्लाइंट आ गया, अब मैं क्या करूं। जैसे वो सर से मैं बात कर रहा था, सर शाकिर से, तो आपने इस लाजमी इस चीज को रखना है कि ऐसा ना हो कि आप जो आपके पास अभी आसान टाइम है जब आपके पास क्लाइंट नहीं है, देखिए क्लाइंट तो आ ही जाता है, ऐसा नहीं है कि क्लाइंट नहीं आता, क्लाइंट आ ही जाता है, लेकिन आपको अपना आप इस तरह कैपेबल बनाना है अपने आप को ताकि जैसे क्लाइंट आपके पास आए तो आप उसे डील कर सके। ऐसा बिल्कुल भी ना करें कि क्लाइंट आए और वो आपसे क्यूरियां करता रहे और आपको उसकी समझ ना आ रही हो, और हो सकता है वो भी नया हो तो फिर वो काम नहीं बनेगा। आपने क्लाइंट को इस तरह डील करना है कि ताकि वो आपसे मुतमईन हो जाए और आपको ऑर्डर दे के जाए, ऐसा ना हो कि आए और चला जाए ऑर्डर भी ना दे। एक दफा क्लाइंट आ गया, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने उसे जाने दिया या आपने उसे इन अपने इन हैंड करके उससे ऑर्डर ले लिया। होपफुली जब आप एक दफा ऑर्डर ले लेंगे तो इनशाला हो, मैं ये समझता हूँ कि आप उसे इसका अपने पास इस तरह अटैच कर लेते हैं, आप उससे बात इस तरह करें। कभी भी किसी से भी, मैं आपको एक बात बता दूं कि फ्रीलांस मार्केट में आपने कभी भी किसी से गलत बात नहीं करनी, कोशिश करना है ना वो आपको जानता है ना आप उसे जानते हैं, जस्ट सिर्फ और सिर्फ प्रोफाइल से जानते हैं। कोशिश करनी है कि आपने किसी से भी कोई गलत बात नहीं करनी जहां भी बात होती है, क्योंकि आप एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर वो आप मैं आजकल के वो बात है एक जमाने में ना कि हर जो है वो चौधरी बना हुआ है, हर बंदा सब कहते हैं कि मैं बस चौधरी हूं चाहे कुछ भी हो, तो जहां पर बेशक आप चौधरी होंगे लेकिन गोरों के लिए आप चौधरी नहीं है। गोरों से आपने डॉलर लेने हैं तो आपने उनको बिल्कुल भी ये बात नहीं करनी या कोई भी एक्स्ट्रा वर्ड्स नहीं बोलने, चाहे उसने कुछ बोल दिया है या उसने कोई बात कर दी है, तो आपने उससे इस तरह हैंडल करना है ताकि आपके लिए परेशानी ना हो। गोरा आपको अगर अगर जो है वो बैड रिव्यू दे देता है तो आपकी प्रोफाइल के लिए बहुत ज्यादा इश्यू होता है। लोग जो भी आते हैं वो पढ़ते हैं, हमारे रिव्यूज देखते हैं। जैसे अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी बात करूं तो मुझे मेरे आज तक जितने भी रिव्यूज हैं सारे 5 स्टार रिव्यूज हैं। मुझे आज तक जितने भी गोरे आए हैं उन्होंने सबने मेरे काम को सराहा और मेरे काम से वो मुतमइन हो के गए और मुझे रिपीटेड ऑर्डर्स आते हैं। और आगे भी जो भी लोग न्यू प्रोफाइल विजिट करने आते हैं वो मेरे उन्हीं रिव्यूज को देख के मुझे ऑर्डर्स दे रहे होते हैं। तो ये लाजमी आपने ख्याल रखना, किसी को गलत बात नहीं करनी, गुस्सा नहीं करना किसी से कि जी आपने ऐसे कर दिया तो ऐसे कर दिया, जो हुआ उसको सेटलमेंट करना है। जैसे ही सेटलमेंट करेंगे होपफुली कि वो आपसे मुतमइन होके दोबारा आपके पास आएगा कि इसने अच्छा काम किया है। अच्छा, इसके अलावा स्क्रीन शेयर करता हूँ, कुछ चीजें आपको बता देता हूँ।
अच्छा एक नई चीज आप लोग को बता दूं, वैसे इतना एडवांस में लेके नहीं जाना चाहिए आप लोग को, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ क्योंकि आज हमारा आखिरी क्लास है, होपफुली पता नहीं दोबारा मुलाकात हो या ना हो, लेकिन ये है कि एक चीज है आपको मैं नई चीज है, शायद आप लोग सुन भी रहे होंगे लेकिन शायद इससे वाकिफ नहीं होंगे, तो इस रिगार्डिंग मैं आपको एक नई चीज बता देता हूँ कि ये यहाँ पर देखें आपको चैट जीपीटी लिखा हुआ नजर आ रहा होगा, अच्छा ये देखें ये है चैट जीपीटी जिससे हम सब कुछ कर रहे हैं जो आपकी नौकरियां खा रहा है। चैट जीपीटी को यूज करने का थोड़ा सा तरीका बता देता हूं। लाइक आप लोग परेशान है कि हमने डिस्क्रिप्शन कैसे लिखनी है, आप लोग परेशान है कि हमने साइट्स कहां से कैसे इकट्ठी करनी है, तो ये सारी चीजें आपको यहां से भी मिल सकती हैं। तरीका थोड़ा बहुत बताता हूं, ज्यादा चीजें नहीं बताऊंगा क्योंकि ओवरलोडेड जब चीजें हो जाती हैं तो उन चीजों से समझ नहीं आ रहा होता। लाइक ये कहते हैं फाइवर गिग डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है आप लोग को, स्क्रीन शेयर हो रही है सबके पास? ये कौन सी एक्सटेंशन लगाई है जी? एक्सटेंशन जी चैट जीपीटी है, और चैट जीपीटी के साथ आप इसे ऐड करते हैं रैंक AI, ठीक है, इसको जब ऐड कर लेते हैं तो इसके ऊपर आपको ईच एंड एवरीथिंग मिल जाएगा। आप ये समझेंगे कि आपको बहुत आसान सी दुनिया मिल गई है जिसमें आप सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। अब आपने फाइवर की डिस्क्रिप्शन ऐड करनी है, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। लाइक ये देखें हम ये समझते हैं कि आई विल ये है गिग टाइटल, आई विल गिव यू फैशन गेस्ट पोस्ट ऑन हाइड, ये फैशन ब्लॉग एक ऐसा टाइटल है, मैं इधर कुछ और लिख लेता हूँ, आई विल गिव यू क्रिप्टो गेस्ट पोस्ट लिंक इंसर्शन, ठीक है। अब आपको टारगेट लैंग्वेज लिख लेते हैं इंग्लिश, हमारी इंग्लिश ही है, हमने और किसी लैंग्वेज में नहीं जाना, इसको जस्ट सबमिट कर दें यहाँ। आप ये समझते हैं कि आपको इंग्लिश नहीं आती, तो ये देखें आपको इसने सब कुछ लिख के दे दिया। SEO के हिसाब से सर ये काम नहीं करेगा जी, मतलब रैंकिंग के हिसाब से ये पोटेंशियल कीवर्ड्स के हवाले से मैं पूछना चाह रहा हूँ कि ये काम करेगा? जी जी हर चीज आपको यहाँ से ये दे देगा, कीवर्ड्स भी ढूंढ देता है आपको, गिग डिस्क्रिप्शन भी बना देता है आपको, साइट्स भी ढूंढ के देता है, ईच एंड एवरीथिंग आपको यहाँ से चीजें मिल जाती है। अगर आप कंटेंट राइटिंग में करना चाह रहे हैं, कंटेंट राइटिंग के रिगार्डिंग चीजें, तो वो भी आपको ये चीजें सारी की सारी करके दे सकता है, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज आपको जो रिलेटेड है वो दिखा देता हूँ, ये देखेंगे। ये जो एक्सटेंशन लगाई है फ्री में है सारा जी, टेम्पलेट मिल रहे हैं और मैं कहीं, ये फ्री में टेम्पलेट है ये जो सारे मिल रहे हैं आपको? सब का सब फ्री में है, बताते नहीं उस्ताद लोग, लेकिन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये मेरी तरफ से तोहफा है। एक्सटेंशन ब्लॉगर के वीडियो में एक 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 सवाल करें, आवाज नहीं आ रही है। मैंने कहा एक्सटेंशन रैंक AIO है जी, रैंक AI, ये देखें गेस्ट पोस्ट साइट यहाँ पर लिखा हुआ है सर, चैट में देखिएगा यही वाला आइकन है जी, चैट में देखिएगा मैंने एक स्क्रीनशॉट भेजा है, यही वाला आइकन है इस एक्सटेंशन का। अच्छा एक मिनट जरा रुके जी, यही है रैंक नाउ AI, यही है। अच्छा ये आप गेस्ट पोस्ट साइट्स लिखा हुआ है, मैंने फैशन लिखा है यहाँ पर, अब मैं इसको सबमिट करवाता हूँ, ये मैं इसे सबमिट करवाऊंगा तो ये आपको टॉप 50 साइट्स निकाल के दे देगा। ये देखिए उसके आगे DA भी लिखा हुआ है, उसके आगे उसका कॉन्टेक्ट भी लिखा हुआ है, ईच एंड एवरीथिंग ये आपको निकाल के दे देगा, ठीक हो गया। ये हमें टूल्स की क्या करनी है देख लें बस, फिर उस्ताद तो उस्ताद होता है ना। सर मैं भी यूज कर रही हूं, फिर भी हो गई एक दफा चेक करने के लिए। क्या चीज सर? मैंने बोला मैं भी ये यूज कर रही हूं एक्सटेंशन से, कुछ दिन पहले मैंने सर इस्माइल ब्लॉगर थे उनकी वीडियो देखी थी TikTok। अच्छी बात है, जो यूज कर रहे हैं अच्छी बात है, जो नहीं कर रहे हैं उनको भी इस चीज का आइडिया हो जाए कि ये हमारे यूज के लिए अच्छी चीज है, इससे आपकी बहुत सारी वो होती हैं मुश्किलें आसान हो जाती हैं। अच्छा ये तो आप लोगों ने
देख लिया, अब इसको हम खत्म कर लेते हैं चैट जीपीटी को, अब हम चलते हैं फाइबर पे, ठीक है। यहाँ पर अच्छा ये चीजें आपको बता दूं, ये कॉपी राइटिंग हुमन 100% हुमन रिटन आर्टिकल, ये भी आप यहाँ से कर सकते हैं। सोशल मीडिया की रिगार्डिंग है, यूट्यूब वीडियो टाइटल है, फेसबुक ज्वाइनिंग इन्विटेशन है, ईमेल है, मतलब ईमेल मार्केटिंग है, बहुत सारी चीजें आप यहाँ से कर सकते हैं। अच्छा चलें अभी इसको हम बंद करते हैं, हम जाते हैं लिंक्डइन। जो वेबसाइट निकालनी थी इसके थ्रू वैलिड है वो? आवाज कट रही है सर, मैं पूछ रही हूँ कि जो आपने इस टेंशन के थ्रू चैटजीपीटी से वेबसाइट निकाली है वो वैलिड है, वर्क करेंगी वो? जी काम करेंगी, लेकिन वो हाई अथॉरिटी और अच्छी साइट्स हैं, वो महंगी साइट्स होंगी, ये याद रखना है। सर अगर हम साथ लिख दें तो मीडियम ट्रैफिक साइट हाई या छोटी साइट आ देंगे। जी बिल्कुल, ये मीडियम निकल है, जैसे आपने से कहना ये इंशाल्लाह वो आपको करके देगा ना, इस तरह इशू नहीं। सर इसको कुछ इंस्ट्रक्शन ही देनी पड़ती है, वो जैसी भी देंगे वो वैसे ही काम करते हैं जी, ऐसी चीज आपको दे देता है, आप इसे जो कहेंगे वो आपको करके दे देता है, बस आपने अपने बारे में नहीं पूछना, वो नहीं बताएगा, पूरी कर लेगा। अच्छा ये देखें आप लोग, लिंक्डइन अकाउंट मैंने ओपन किया हुआ है, मेरा लिंक्डइन अकाउंट है, मैं आपको ये अब दिखा देता हूँ कि आप लोग लिंक्डइन से कैसे सर्च करते हैं, अगर किसी आपने गोरे वगैरह को दोस्त बनाना है तो आप कैसे सर्च आउट कर सकते हैं। ये मेरी प्रोफाइल है, ठीक है, गोल अचीवर्स के नाम से है, जीबीओबी ट्रेनर ऑफ पेज एसईओ एक्सपर्ट, इस टाइप की आपने अपनी प्रोफाइल को अच्छा बनाना होता है ताकि लोग आपके पास आए, ऐसा ना हो कि लोग यहाँ से चले जाएं, क्योंकि लिंक्डइन से भी आपको बहुत काम मिलता है, ये आपने ध्यान में रखना है। ये देखें, ठीक है, ये सारी की सारी नीचे एक्टिविटीज हैं, जो भी साइट्स के रिगार्डिंग है या बाकी चीज़ें अबाउट जो भी चीज़ें मेरी हैं फाइवर और इसके रिगार्डिंग सारी चीज़ें। अच्छा अभी मैं कहता हूँ, ये मेरा देखें कोर्स लिखा हुआ है कंटेंट मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग का, NFTP का जो है, जो अभी मैंने लास्ट में किया था। अच्छा उसके बाद यहाँ मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपने यहाँ से गोरों को कैसे दोस्त बनाना है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं गैस पोस्ट या SEO लिख लेते हैं हम, SEO ये लिखा आपने, ये वाला तरीका किस किस को पता है पहले? सर मुझे, इससे कुछ हासिल किया आपने फिर? सर मैंने एक क्लाइंट मिले इसे, लेकिन सर एक दो मंथ हो गए, मेरा अकाउंट जो है हैक हो गया अभी तक रिव्यू में। अच्छा चले, इस तरह आपने ये लोगों को सर्च करना है, SEO लिखेंगे तो यहाँ पर ये आ जाते हैं लोग, बहुत सारी चीजें नीचे लिखी हुई आ जाती है, कंपनीज भी होती हैं बहुत सारी चीजें, हम यहाँ पर ये लिखा हुआ है फर्स्ट पे पीपल, इसको सर्च करते हैं तो ये आपके पास बहुत सारे लोग नीचे आ जाते हैं, कुछ लोगों की जो न्यू वो होती है आईडी होती है उसके ऊपर कभी कभार ये चीजें नहीं भी शो हो रही होती, लाइक ये सामने जो कनेक्ट लिखा हुआ है या फॉलो लिखा हुआ है, तो इस तरह एक तो ये चीज आ जाती है। अभी आपने फर्स्ट SEO लिखा, सेकंड पीपल लिखा, अभी थर्ड आपने इसके अंदर क्या करना है कि यहाँ पर तो सारे के सारे लोग आ रहे हैं, मिक्स लोग आ रहे हैं, तो हमने यहाँ पर जाकर करना है यहाँ से लोकेशन, लोकेशन पे जाते हैं, यहाँ से हम यूनाइटेड स्टेट, यहाँ से हम यूनाइटेड किंगडम, दो कंट्री सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ से हम इनको शो रिजल्ट कर देते हैं, शो रिजल्ट करेंगे तो ये आपके सामने आ जाएगा, वहां के लोग आ जाएंगे जो कि यूके यूएसए से रिलेट करते होंगे। यहाँ से अब हम क्या करते हैं, इसको कनेक्ट भेज देते हैं। अच्छा कनेक्ट भेजते वक्त इसके अंदर आप नोट भी ऐड कर सकते हैं, ये यहाँ पर लिख सकते हैं हेलो IMR SEO ऑफ पेज SEO एक्सपर्ट वांट टू नो मोर अबाउट यू, और इस तरह करके आप उसे लिख सकते हैं। अगर नहीं लिखना चाहते तो जस्ट आप उसे कनेक्ट भी सेंड कर सकते हैं कि वो आपका दोस्त बने। ये नीचे दूसरी है SEO स्पेशलिस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ जॉर्जिया, ठीक है, हमने ऐसे लोगों को अपने साथ ऐड करना है ताकि ये लोग कंपनीज में होते हैं, बहुत सारा इनका वो SEO रिलेटेड वर्क होता है, डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड वर्ल्ड होता है, तो हम वर्क होता है तो ये हमें वहां से काम मिलने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। ताकि ये देखें SEO मैनेजर एट BZEN बिजनेस LLC यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है, इस तरह के लोगों को आपने फॉलो या कनेक्ट भेजना है ताकि ये आपके साथ ऐड होंगे तो होपफुली कि आपको काम मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं, जो कि लिंक्डइन पे भी। लिंक्डइन पे आपने खुद को कैसे शो करना है, लिंक्डइन पे आप अपने रिगार्डिंग पोस्ट बनाएं, कैनवा यूज करें, कैनवा यूज करना आता है सब लोगों को? कैनवा के ऊपर डिफरेंट टाइप की अपनी पोस्ट बनाया करें, लाइक आई विल गिव यू
फैशन गैस पोज या जो भी है, या अपनी एक वेबसाइट जो भी आपने कोई अच्छी वेबसाइट जिसकी अच्छी ट्रैफिक है उसे सर्च किया हुआ है, तो उसके रिगार्डिंग कैनवा के ऊपर टेम्पलेट के ऊपर लिखें कि ये चीज मेरे पास, ये साइट अवेलेबल है, अगर किसी को चाहिए हो तो वो मुझसे बात कर सकता है, या फैशन रिलेटेड, हाई फैशन या फैशन ट्रेवल, जो भी किसी नीच के रिलेटेड होंगी आप उसे लिख सकते हैं और उसे उसके ऊपर पोस्ट कर सकते हैं। जैसे जो गोरे आपकी पोस्ट को देखते हैं वो फिर आपको इन कनेक्शन ले लेते हैं और आपसे काम करवाते हैं। ये चीज आप लोगों ने याद रखनी है इसके ऊपर, लिंक्डइन के ऊपर, लिंक्डइन का सिर्फ। जी जी सर, जिन्हें आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मतलब जिन्हें हम सर्च करके रिक्वेस्ट भेजेंगे या हमसे कनेक्ट करेंगे, तो वो तो हमारी सेम स्किल नहीं होगी उनके साथ, फिर उनसे हमें काम मिलेगा? देखिए, आप अगर SEO के लोग सर्च कर रहे हैं तो आप जस्ट एक SEO प्रोवाइडर है, SEO का काम करने के लिए आप गैस पोस्ट प्रोवाइडर है। जिस बंदे को आप कनेक्ट्स भेज रहे हो वो SEO का मैनेजर है किसी कंपनी में, किसी वहां पर जो उनकी कंपनीज होती हैं उनके अंदर SEO का मैनेजर है, डिजिटल मार्केटिंग का मैनेजर है। सर, इस तरह के ग्रुप्स और पेजेस भी होते हैं क्या, वो भी ज्वाइन कर लेने चाहिए? यस, देखिए मैंने इसलिए बताया कि आपने फेसबुक और लिंक्डइन के ऊपर ऐसे लोगों को अपने साथ अटैच करना है के जो आपकी फील्ड से रिलेटेड होंगे। लाइक अगर आप ये देखें मेरे सामने यहाँ आ रही है HR, SEO मैनेजमेंट, SEO मैनेजमेंट, ये ओमेरा, इसको मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, ये एक फीमेल है और माशाल्लाह बहुत अच्छा काम करती हैं। ये इस तरह के लोग आपने अपने साथ ऐड करने हैं ताकि आपको जब जरूरत पड़े इनकी तो उसी वक्त, ये देखें ये मेरे पास आया हुआ, ये मेरे कनेक्शन में फातिमा उमर, ये इनको इनको ये साइट चाहिए, ठीक है? तो अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप इन्हें क्या बता सकते हैं कि ये मेरे पास साइट अवेलेबल है, ये देखें। इसी तरह नीचे और भी बहुत सारे लोग हैं जो इसके बारे में लिखा होता है। बाकी ये देखें स्कैमर अलर्ट, ये बंदा बहुत बड़ा स्कैमर है, इस टाइप की ये चीजें, ये सारी की सारी चीजें आपको यहाँ पर मिलती रहती हैं। अगर आप इसके ऊपर अपना टाइम देंगे तो मैं समझता हूँ कि आपको इसके ऊपर एक अच्छा बेनिफिट मिल सकता है। मैंने आपको इस दोनों की चीजें, फेसबुक और लिंक्डइन को, इस तरह कहा कि आपके बाजू हैं, अगर आप इन दोनों को अपने साथ लेके चलते हैं तो आपको इससे बहुत अच्छा बेनिफिट मिलता है। लोग आपको बहुत ज्यादा आपके साथ अटैच होते हैं आपके वर्क रिलेटेड, और अगर हम वर्क रिलेटेड लोगों को अटैच करेंगे तो मैं ये समझता हूँ कि हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। आपकी आपका जितना अच्छा नेटवर्क होगा इतना अच्छा आपका काम ग्रो करेगा। अगर नेटवर्क अच्छा नहीं होगा तो मैं नहीं समझता कि फिर आपका काम ग्रो कर सकेगा। फिर आप अकेले अगर ये समझते हैं कि मैं अकेला सब कुछ करूं तो ये पॉसिबल नहीं है। अच्छा, मैं अभी आपको लेके चलता हूँ इसकी तरफ, सॉरी ये शीट खुल गई है। सर, फेसबुक में तो काफी ग्रुप्स और पेजेस ज्वाइन किए हुए हैं मैंने गैस पोस्टिंग। क्या चीज? अच्छा, फेसबुक पे आपने ग्रुप्स ज्वाइन किए हुए हैं? फेसबुक पे ग्रुप SEO रिलेटेड और जो है इसके गैस पोस्ट के रिलेटेड जितने भी ग्रुप्स आया करें वो आप कर लिया कर रहे हैं। ये मैं आपको अपना फेसबुक दिखा देता हूँ, ये मेरा जी सर SEO रिलेटेड है सारे वो जी, गैस पोस्टिंग रिलेटेड। अच्छा, मैं अपने ये चीजें इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आप मेरे मुझे भी अगर आप न्यू जिस तरह वर्क कर रहे हैं तो अगर आप मुझे भी ज्वाइन कर लेंगे तो होपफुली मेरी कम्युनिटी में जितने लोग हैं वो आपके कनेक्शंस में आ जाते हैं, वो आपकी रीच में आ जाते हैं, तो आप उन्हें कर सकते हैं। मेरा एक ये गोल अचीवर्स के नाम से है पेज जिसे मैं यूज करता हूँ रनिंग में, वैसे तीन बने हुए हैं गोल अचीवर्स के नाम से, लेकिन मैं यूज ये करता हूँ जिसके ऊपर ये मेरी अकेडमी की पिक्चर सामने लगी हुई है, ये आप देख सकते हैं इस टाइप की पिक्चर लगी हुई है ये वाली, इसे मैं ज्यादा यूज करता हूँ। नीचे ये देखें, ये मतलब पोस्टेज होती हैं वो रिगार्डिंग आती रहती हैं इसके वर्क रिलेटेड जितनी पोस्टें होती हैं या जो लोग SEO से वर्क कर रहे होते हैं, ये वो है धनकाश वाले वो आए हुए हैं। अब इनके साथ ये ग्रुप्स में जब ऐड होते हैं आपके साथ तो आपको इस तरह की पोस्ट आती रहती है रिगार्डिंग साइट्स के रिगार्डिंग, इस तरह की आपको पोस्टें मिलती रहती हैं। ये देखें, आई नीड इन $50 बजट, ये इनकी साइट्स इन्होंने लिखी हुई हैं। इसी तरह बहुत सारी पोस्टें आपको इस तरह ये मिलती रहती हैं। इसके अलावा आपने इसके ऊपर खुद को वो करने के लिए जैसे रीच में आने के लिए आपने खुद भी पोस्ट बना के इसके ऊपर करते रहना है कि ये मैं ये काम कर रहा हूँ या मैं SEO के रिलेटेड या जो भी चीजें हैं आप इसके ऊपर पोस्ट करते रहते हैं तो आपका अकाउंट अच्छा चलता है। ज्यादा जरूरी नहीं है आप बस हर बंदे को फॉलोअर्स बनाते जाएं, हर बंदे को वो करते जाएं, बस सिर्फ और सिर्फ अपने बिजनेस से रिलेटेड लोगों को ऐड करें ताकि वो आपके काम भी आए। ऐसा ना हो बिल्कुल कि वो आपके काम ना आए, फिर हमें काम से रिलेटेड बंदा चाहिए, इससे एक्स्ट्रा बंदा नहीं चाहिए। हमने किसी को अपना काम एक्स्ट्रा नहीं दिखाना, हमने अपने हेल्प के लिए लोगों को अपने साथ अटैच करना है ताकि जब हमें जरूरत पड़े तो वो हमारे काम आ सके। ठीक हो गया, ये चीजें दो चीजें आपको नजर आ गई हैं, फेसबुक और लिंक्डइन।
अच्छा नेक्स्ट क्या चीज और रह गई है, फाइवर पे ले चलो, फाइवर पे चलते हैं। तो ये आपका फाइवर आ गया, सॉरी हम पहले जाते हैं, ये आपका सेलर मोड है, हम चले जाते हैं बाइंग मोड पे। ठीक है, ये आपका बाइंग मोड आ गया। यहां पर जब आप जाएंगे तो आपने कीवर्ड सर्च करना है, आप कोई भी नीच रिगार्डिंग, मैंने कल भी नीच बताई थी, परसों भी बताई थी, आपने कोई भी कीवर्ड सर्च करना है। तो आपने कोशिश कैसे करनी है, लो कंपटीशन कीवर्ड कैसे आता है, लो कंपटीशन कीवर्ड सर्च करने से आता है, एक कीवर्ड के साथ मिलता जुलता दूसरा कीवर्ड ऐड करें। लाइक ये बताता हूं, ये देखें ट्रेवल गैस पोस्ट, 10,000 का कंपटीशन है इसके ऊपर। ठीक है, और इसके ऊपर आप नीचे देखते हैं तो लोगों को ऑर्डर्स भी मिले हुए हैं। आई विल इंग्लिश ट्रेवल गैस पोस्ट विद डू फॉलो बैक लिंक्स, आई विल गैस पोस्ट ऑन हाई डी ए ट्रेवल ब्लॉग, इस तरह के आपको कीवर्ड, ये 10,000 वाला है, इससे और भी आपने साथ एक कीवर्ड के ऊपर तो गिग नहीं बनानी ना, तो हम इसके साथ और कुछ ऐड करने की कोशिश करते हैं। लाइक ट्रेवल के साथ और हम ऐड कर सकते हैं, जैसे आपको वेकेशंस है, देखिए इसके ऊपर टोटल 318 लोग हैं, लेकिन यहाँ पर इतना अच्छा वर्क नहीं है। सही है, अच्छा थोड़े बहुत हैं ऑर्डर्स, लेकिन इतना अच्छा वर्क नहीं है। आप इसके ऊपर भी बना सकते हैं, लेकिन आपने कोशिश ये करनी है कि आपने वर्ड्स देखने हैं, लाइक लोगों के रिव्यूज, जो ये 5 स्टार लिखा हुआ है इसके साथ 14 लिखा हुआ है, ये इसके रिव्यूज हैं, इसको जो लोगों ने रिव्यूज दिए हैं वो हैं। तो ये आप इस चीज को जहन में लाजमी रखना है। इसी तरह आप और इसके अलावा ट्रेवल के ट्रेवल के रिगार्डिंग और आप लोग थोड़ा सा मुझे बताएं कि कौन से आपके जहन में आते हैं। हेल्थ रिलेटेड, मेडिकल रिलेटेड। जी सर, हेल्थ और मेडिकल रिलेटेड। अच्छा हेल्थ मेडिकल के, देखें वो भी बताता हूँ। ये देखें, अब ये हमने सर्च किया एडवेंचर गैस पोस्ट, इसके ऊपर ऑर्डर्स हैं लेकिन कम है, मतलब यह है कि कंपटीशन तो बहुत कम है लेकिन ऑर्डर्स भी कम है। तो ऐसे उसके उसके ऊपर बिल्कुल नहीं जाना, आपने कोशिश करनी है कि जहां ऑर्डर्स अच्छे हों तो वहां आपने जाना है। इसके अलावा हम जैसे कोशिश करते हैं इवेंट, ये देखें ये 5,026 लोगों से ही सर्विस है इवेंट गैस पोस्ट के ऊपर। ये जो दूसरा है ना SCO टाइगर, ये सरबुलंद खान, ये जो है मेरा स्टूडेंट है, इसकी ये भी रनिंग बैच का स्टूडेंट है, इसकी भी टोटल 4 क्लासेस हुई हैं और इसकी गिग ये देखें 5026 के अंदर ऑफलाइन में फर्स्ट पेज पे आ रही है। ये इसकी आपको मैं गिग भी दिखा देता हूँ, ठीक है, SCO टाइगर खान SCO 500, इसकी मैंने गिग अभी बनवाई है, इसकी टोटल 4 क्लासेस हुई है मेरे पास अभी तक। ये देखें ये इसकी गिग बनी हुई है, इसकी डिस्क्रिप्शन भी है इसमें, इसका बाकी भी डेटा वगैरह लिखा हुआ है। ये देखें जून 2023 को ये मेंबर है, अभी ये मेरे पास आया है, कोर्स की टोटल 4 क्लासेस हुई है, मींस ये कि 2 वीकेंड्स हुए हैं इसको मेरे पास आते हुए, और ये इसकी गिग बनी हुई है। इसके अलावा भी ये इसकी गिग नीचे बनी हुई है, ये देखें क्रिप्टो होम इम्प्रूवमेंट, इस टाइप की गिग्स इसकी बनी हुई है और सारी की सारी तकरीबन वो है फर्स्ट पेज पे ऑफलाइन में, अगर ऑनलाइन में नहीं है तो ऑनलाइन में जरूर आती है। अच्छा इसके अलावा आप चाहते हैं होम इम्प्रूवमेंट, ये देखिए होम इम्प्रूवमेंट गैस पोस्ट है 2717, ये लो कंपटीशन, इतना हाई नहीं है, ठीक है। ये आपने इसके ऊपर देखें तो लोगों के ऑर्डर्स भी लगे हुए हैं, अच्छे ऑर्डर्स लगे हुए हैं, ठीक है, 50 भी हैं, 25 भी हैं, 7 भी हैं, 224 भी हैं, इस तरह की मतलब डिफरेंट लोगों के ऑर्डर्स भी लगे हुए हैं। होम इम्प्रूवमेंट के साथ आप और जो ऐड करने वाले होते हैं लाइक गार्डनिंग, ये गार्डनिंग गैस पोस्ट है, लेकिन इसके ऊपर भी आप देखें 85 यहाँ लगा हुआ है, 4 हैं, इस तरह के साथ आप इनके कीवर्ड सर्च करके ऐड कर सकते हैं। अच्छा एक चीज तो ये हो गई, ये तो हो गया नीच के रिलेटेड,
अब आपने जब भी कोई टाइटल बनाना है, अब मैं यहाँ पर असल में न्यू क्रिएट नहीं कर सकता, नहीं तो आपको बताता, जब भी कोई टाइटल बनाना है इस टाइप का बनाना है, जैसे आई विल डू होम होम इम्प्रूवमेंट, उसके बाद गार्डनिंग गार्डनिंग फर्नीचर, अच्छा गेस्ट पोस्ट, उसके बाद आप लिख सकते हैं लिंक इंसर्शन या नीच एडिट विद फॉलो बैक लिंक्स, ठीक है। आपने एडिशन में साथ में इनके कीवर्ड्स इस तरह ऐड करने हैं, लाइक डू फॉलो बैक लिंक्स, लिंक इंसर्शन। अगर आप लिंक इंसर्शन पे जाओगे तो टोटल 600 का कंपटीशन है, लो कंपटीशन है, बहुत अच्छा कीवर्ड है। डू फॉलो लिंक्स पे ऑलमोस्ट तकरीबन 2400-2500 लोग हैं। इस तरह के आपने कीवर्ड्स ऐड करके अपने ही टाइटल बनाना है, ताकि आपको लो और हाई कंपटीशन के कीवर्ड्स ऐड करके जब बनाएंगे तो होपफुली कि आपको इसके ऊपर अच्छा रिटर्न मिलेगा इंशाल्लाह। कोई सवाल है पूछे काइंडली। सर इसके भी पैकेजेस होते हैं ना, जैसे बाकी की पैकेज हम रखते हैं, या इस तरह से एक स्टैंडर्ड पैकेज होता है सर? एक पैकेज, आवाज कम आ रही है आपकी। सर मैं ये पूछ रही हूँ कि इसमें भी हम 3 ही गिग पैकेज रखेंगे ना, तो उसकी डिटेल कैसे होगी फिर? मैं आपका सवाल नहीं समझ पा रहा। सर वो कह रही है कि जैसे बेसिक स्टैंडर्ड प्रीमियम होते हैं वहाँ हम उसके अमाउंट रखते हैं, तो इसकी कैसे रखेंगे पैकेज? अच्छा प्राइसिंग जो है। हाँ जी सर। अच्छा ठीक है, प्राइसिंग ऐसे है कि आपने जब भी प्राइसिंग सिलेक्ट करनी है, मैं आपको एक चीज क्लियर कट बता दूं, ऐसा होता है कि गोरा आता है वो डायरेक्टली गिग के ऊपर भी ऑर्डर दे देता है। आपने गिग के ऊपर प्राइस वो रखनी है, लाइक अगर मैं आपको कहूँ तो होम इम्प्रूवमेंट की अगर ट्रैफिक वाली कोई साइट है तो उसके ऊपर मिनिमम आपको $50 प्राइस रखना है। अब $50 भी, $30 भी, $20 भी, मतलब साइट्स तो मिल जाती हैं, लेकिन अगर प्योर नीच की साइट पे जाते हैं तो मिनिमम आपको $40 to $50 रखना है। आपको 20 to 25 की डॉलर की साइट मिल जाती है, उसके साथ आप अपना मार्जिन और फाइबर को ऐड करेंगे तो तकरीबन आपको अप्रॉक्स 40 to 50 का प्राइस रखना पड़ेगा। अच्छा अब आपने इनिशियली फर्स्ट पैकेज में अगर आप एक पैकेज दे रहे हैं तो उसके अंदर आपने ये चीज लाजमी लिखनी है कि आई विल गिव यू 1 गेस्ट पोस्ट ऑन होम इम्प्रूवमेंट या होम गार्डनिंग ब्लॉग, इस तरह लिख के, और उसके साथ आपने जो प्राइस लिखना है वो $40 or $50 जो मैं आपको बता रहा हूँ वो लिखना है। आपके पास ऐसी कोई साइट होनी चाहिए जिसके ऊपर आप उससे जो प्राइसिंग लिख रहे हैं उसके उसमें दे सकें, अगेंस्ट में दे सकें कि ये इसके ऊपर मैं आपको दूंगा गेस्ट पोस्ट दूंगा। लाइक ऐसे हुआ मेरा लास्ट वीक में एक ऑर्डर आया, कनाडा का क्लाइंट था, उसने उसके ऊपर मेरी एक साइट थी, वो गिग थी, उसके ऊपर प्राइसिंग लिखी हुई थी $30, तो उसने ऑर्डर प्लेस कर दिया नीच हेडेड, उसको गार्डनिंग की साइट चाहिए, ट्री कटिंग की साइट चाहिए थी, तो मैंने उसे साइट शो की, उसने कहा ये तो मुझे अच्छी नहीं लग रही, आपके पास और कौन सी साइट है? तो मेरे पास, मैंने कहा साइट्स तो और भी अच्छी हैं, लेकिन आपने जिस पे प्लेस किया है ये मेरे पास इस प्राइस में ये साइट्स हैं। तो उसने कहा कि ये तो अच्छी नहीं है, तो मैंने कहा फिर आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेंगे, मैं आपको साइट्स अच्छी दे देता हूँ। फिर उसे मैंने साइट्स शो की, उसने साइट पसंद कर ली। अब जब साइट पसंद की, मैंने कहा इसके तो मैं इतने लूंगा, तो उसने थोड़ी देर सोचा, उसके बाद मुझे कहता है ओके ये वाली साइट मुझे पसंद है, इस पे दे दो। अब वो मैंने साइट $30 की ली, साइट वो मैंने $30 की ली, और उससे मैंने वो $100 में दी, उसे मैंने 70 उसको एक्स्ट्रा दिए, 30 वो ऑलरेडी ऑर्डर दे चुका था और 70 एक्स्ट्रा उसको भेजे, उसने एक्सेप्ट किया, $100 में उसको वो मैंने साइट दी। और 100 में ऐसा था कि $30 मैंने एडमिन को देना था, $20 फाइवर के पास जाना था और $50 उसके ऊपर मैंने अपना मार्जिन रख लिया। जी आपका कुछ सवाल क्लियर हुआ है? यस सर। अच्छा एक और चीज ऐड कर दूं इसी के अंदर कि फर्स्ट पैकेज में अगर देखें, मैं तो ये समझता हूं कि आप लोग इनिशियली जब आप काम स्टार्ट कर रहे हैं तो आप 3 पैकेज ऑफर करें ही ना, आप जस्ट 1 पैकेज ऑफर करें, उसे ऑफर पैकेज वाला जो आइकन है उसे खत्म कर दें, आप 1 पैकेज ऑफर करें, आई विल गिव यू 1 गेस्ट पोस्ट
ऑन होम इम्प्रूवमेंट या ट्रेवल या फैशन जो भी है, और उसके नीचे प्राइस लिख दें। एक्स्ट्रा पैकेजेस जब हम ऐड करते हैं तो उसमें हम ये चीजें शो कर रहे होते हैं कि पहले आप उसे पहली बेसिक के अंदर एक उससे गेस्ट पोस्ट दे रहे हैं, अगले में आप उसे कहते हैं मैं आपको 5 गेस्ट पोस्ट दे दूंगा, उसमें मैं प्राइस ये कम कर दूंगा। फिर थर्ड में आप उसे प्रीमियम में कहते हैं मैं आपको 20 गेस्ट पोस्ट दे दूंगा और उसमें प्राइस ये कर दूंगा। तो आप अभी, मैं उसे नहीं समझता कि आप उसे झंझट में पड़े, आप जस्ट वन सिंगल पैकेज दें, आप उसे कहें कि मैं आपको एक गेस्ट पोस्ट दे दूंगा और वो आपको इतने डॉलर्स में दे दूंगा। मेरे हिसाब से ये आप लोग के लिए पहले अभी इनिशियली बेस्ट है, जब आप अच्छी डायरेक्टरी आपकी बन जाए, अच्छा काम करने लग जाए, तो फिर आप ऐड कर सकते हैं। ओके सर जी, और किसी का सवाल? मेरे ख्याल से सारों को काम आता है, काम पूरा हो गया तो मेरे ख्याल से क्लास एंड करते हैं फिर, ऐसा ही है ना? जो समझ आ रहा है उससे रिलेटेड पूछे जा रहे हैं। और कुछ समझने इससे और चीजें आप लोगों ने सर्च तो की होंगी ना, सर्च की होंगी लेकिन उनके जवाब आपके पास नहीं होंगे, तो वो मुझसे पूछ लें ताकि आप लोग की क्यूरीज तो क्लियर हो जाए कम से कम। सर, कीवर्ड सर्च करने के लिए जब हम सर्विसेज को देखते हैं तो मिनिमम कितनी सर्विसेज होनी चाहिए उसके, इसके रिकॉर्डिंग? अच्छा, मैंने इसीलिए बताया कि आपने मिनिमम इस पे बिल्कुल नहीं जाना कि जैसे मैंने 245 वाली दो तीन सर्विसेज 245 300 वाली सर्च की, लेकिन उसके ऊपर क्या था कि लोग जो जिन लोग जो ऑलरेडी अवेलेबल हैं, जो ऑलरेडी सर्विसेज अवेलेबल हैं, उनको इतने अच्छे रिव्यूज या ऑर्डर्स नहीं मिले हुए। तो हमने कोशिश ऐसे करनी है कि ऐसे कीवर्ड्स को सर्च करें जिसके ऊपर कुछ ना कुछ ऑर्डर्स तो हो ना, जिनको लोगों को वो मिले हों। एक मिनट, ये मैं आपको सर्च करता हूँ। ये कीवर्ड है ब्लॉगर आउटरीच। देखिए, जस्ट इसके ऊपर 662 सर्विसेज अवेलेबल हैं, 662, बहुत मिनिमम कंपटीशन है। इसके ऊपर टोटल 40-50 बंदा ऑनलाइन होता है। देखें ऑर्डर्स, देखें 15877, 1K+, 1K+, इसी तरह नीचे देखें 28357, ऑर्डर्स देखें और कंपटीशन देखें। तो ये आपकी अपनी सर्च पे डिपेंड करता है कि आप फाइवर को कितना टाइम दे रहे हैं। फाइवर को जितना टाइम देंगे आप सर्चिंग में, मैं ये समझता हूँ कि आप अच्छी से अच्छी गिग्स पहले जो बनाई आपने, आप उसके ऊपर कुछ दिन वेट करें, आप ये समझते हैं कि ये अच्छा नई शो पुट कर रही, आप उसको मॉडिफाई कर दें, उसके अंदर और कीवर्ड्स ऐड कर दें, वो वाले डिलीट कर दें। इस तरह आप इसको मॉडिफाई करते रहेंगे तो होपफुली कि आपको इससे अच्छा मिलेगा। अच्छा, ये देखें अभी इस बंदे ने आई विल डू नीच एडिट लिंक इंसर्शन वीआ ब्लॉगर आउटरीच, तीन कीवर्ड ये हो गए। क्वालिटी एसईओ बैकलिंक्स खुद कीवर्ड है। अच्छा, अब हम नीच एडिट पे जाते हैं, तो नीच एडिट पे भी जाएं तो आप ये देखें, ये नीच एडिट पे भी क्लिक करें तो ये जस्ट आपको मिनिमम टोटल 702 का कंपटीशन मिलता है। और यहां भी आप देखें तो ये देखें लोगों के ऑर्डर्स कितने हैं। तो ये चीज है, ये मैटर करती है कि आप उसके ऊपर जहां आप जाके देख रहे हैं, ये जो होते हैं ना, ये रिव्यूज होते हैं, ठीक है, इनको आपने लाजमी वॉच करना है कि आया इन लोगों के कुछ रिव्यूज भी हैं या बस ये खाली बैठे हैं। कि जैसे 2-3 हो सकता है इसके ऊपर टोटल 10 सर्विसेज हों और आप समझें कि ये तो बहुत लो कंपटीशन है, तो ऐसा लो कंपटीशन आपने नहीं लेना। आपने लो कंपटीशन ऐसा लेना है जिसके ऊपर सर्विसेज भी कम हो और उसके ऊपर उसका रिवर्ट भी आ रहा हो, लाइक उसके ऊपर ऑर्डर्स भी आ रहे हो। जी, आपका सवाल क्लियर हो गया कि और किसी का कोई सवाल है पूछे काइंडली? देखिए अभी आप लोग सवाल पूछ लें तो मेरे ख्याल से काफी हद तक चीजें क्लियर हो जाएंगी, बाकी मैंने बताने वाली चीजें मैक्सिमम कवर कर दी आप लोगों को। सर, चैट बॉक्स में सवाल किया वो बता दें। अच्छा ठीक है, अच्छा आपने क्लाइंट को साइट इस तरह देनी होती है, जैसे कि मैं आपको ये लेके जाता हूँ अपनी उस पे डायरेक्टरी पे, सॉरी मिनिमाइज हो गया। ये देखिए मेरी इस पे ना डायरेक्टरी पे जाएं, जैसे कोई भी आपके पास डायरेक्टरी बनी हुई है, आप अपनी साइट्स की डायरेक्टरी बनाएंगे तो ये मेरी गूगल शीट बनी हुई है। आप यहां से गए, जस्ट सिंपली कोई भी मेरी शीट खोली, जैसे मैं अपनी शीट खोलता हूँ, आपके पास शीट बनी होगी, आपके पास कहीं ना कहीं साइट्स पड़ी होंगी। जैसे ये है, ये एक साइट पड़ी हुई है, ये मेरे पास इसका यूआरएल है, इसको मैंने यहाँ से गया
के ऊपर क्लिक किया, यहाँ से कॉपी कर लिया, इसका यूआरएल जस्ट कॉपी किया और मैं चला गया अपने फाइवर में। फाइवर पे भेज रहे हैं या फेसबुक पे भेज रहे हैं या लिंक्डइन पे जहां भी भेज रहे हैं, यहाँ से इसको मैंने बाइंग मोड में ऑन किया हुआ था, मैं इसको सेलिंग में ले जाता हूँ। इसको मैं सेलिंग मोड में लेके गया तो मेरे जो क्लाइंट्स इसमें होते हैं उनको लाइक ये मेरी आईडी, मैं इतना इसको यूज नहीं करता, कम यूज करता हूँ, जस्ट इसके ऊपर मैंने बाकी चीजें बहुत रखी हुई हैं। लाइक ये है कोई क्लाइंट है मेरा, जैसे ये है, इस क्लाइंट के ऊपर मैंने यहाँ जाके क्लिक किया, यहाँ इसका चैट बॉक्स ओपन हो गया है, ठीक है। इसको इसके इसने मुझे यहाँ इसी इस आईडी पे एक ऑर्डर दिया था, मैंने यहाँ जाके गया इसके चैट बॉक्स में, यहाँ पर इसे पेस्ट कर दिया। देखिए साइड पेस्ट हो गई। पेस्ट होने के बाद क्या हुआ कि यहाँ से मैंने इसको देखिए फर्ज करें, मैं इसको सेंड भी कर देता हूँ, ये मैंने यहाँ से इसको सेंड कर दी, ठीक है। ये उसके पास चली गई, वो इसे देखेगा, उसे पसंद होगी तो वो देख के बता देगा। अच्छा, जब आपने इस तरह साइट सेंड की है, इसी तरह आप उससे उसे वो भी कर सकते हैं, पूरी शीट का लिंक भी सेंड कर सकते हैं। लाइक सेंड मैंने फर्स्ट क्लास में भी बताया था कि जब भी आपने किसी को शीट देनी है तो आपने उसके अंदर से प्राइसिंग वगैरह ये सारी चीजें, उसका कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह वो ऐड करके नहीं देनी, ये आपने लाजमी जेहन में रखना है। ये ना हो कि आप उससे वो चीजें भी दे दें जो कि नहीं देने वाली, ये आप लोगों ने जेहन में रखनी है एक चीज, ठीक है। फाइवर लिंक डिटेक्ट नहीं करता? फाइवर किस चीज का? इसका तो जो भी हम भेज रहे हैं, ये जो हमने भेजा है ये यूआरएल है किसी वेबसाइट का, इस चीजों को वो नहीं करता। या अगर आप उसको वो भी दे रहे हैं लाइक जो शीट का लिंक है वो भी दे रहे हैं तो उसके ऊपर वो ये जरूर कहता है कि लुक स्पैम या लुक सस्पिशियस इस तरह के कहता है, लेकिन उसके ऊपर वो कुछ गलत नहीं है, बिकॉज ये आपका काम है जो आपने करना है। हाँ, जब आप यहाँ पर कुछ ऐसा लिखते हैं लाइक मैं अगर आपको लिखूं MONEY मनी लिखें, ये देखिए उसने क्या कहा, रिमाइंडर नेवर एक्सेप्ट आर आस्क फॉर डायरेक्ट पेमेंट डूइंग टू मेक गेट योर अकाउंट रिस्ट्रिक्टेड, ठीक है, अकाउंट रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। इस तरह की चीजें आपने बस नहीं लिखनी, ये आपने याद रखना है। ईमेल हो गया, कॉन्टैक्ट व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट हो गया, इस तरह की चीजें अगर आप लिखेंगे तो फिर आपका अकाउंट रिस्ट्रिक्ट हो सकता है, फिर आप परेशानी में आ सकते हैं जी। और पूछें, 5 बज गए, क्लास एंड करने लगा हूं। है किसी का कोई सवाल? यस सर, बोले बोले सर। वेबसाइट में अगर हम एज अ फ्रीलांसर काम कर रहे हैं तो हमने अपनी वेबसाइट भी तो बनाई होगी, तो अगर हम वो सेंड कर देंगे वो तो फाइवर डिटेक्ट कर ही लेता है। आप अपनी वेबसाइट नहीं सेंड करेंगे सर? ये फाइवर कैसे चेक करेगा, अपनी है या किसी की है? फाइवर मैनुअली भी चेक कर रहा होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि फाइवर आपको सिर्फ और सिर्फ एआई से चेक कर रहा है, फाइवर मैनुअली भी आपको चेक करते हैं। सर फिर तो यही है कि हम शीट बना के वो अटैच करते हैं, वो शीट भी तो अटैच कर ही जाते हैं अगर लिंक ना भी करना हो। आप करना चाहें तो कर सकते हैं, देखें ऐसा होता है कि आपने अपने आप को सेफ साइड तो खुद रखनी है ना, अगर आप खुद अपनी सेफ साइड नहीं रखेंगे तो मैं ये समझता हूँ कि फिर आपको फाइवर जब मैनुअली चेक करेगा तो आपको वो ब्लॉक कर देगा या आपको रिस्ट्रिक्ट कर देगा, फिर आप क्या करेंगे। यहाँ पर तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो आप जो आपसे क्लाइंट ने रिक्वायरमेंट मांगी है आपने उसकी उसको आंसर दिया है और उसको वो चीज दे दी है। अब अपनी वेबसाइट अगर आपने बनाई हुई है और वो वेबसाइट है ब्लॉग, उसके ऊपर आर्टिकल पब्लिश होते हैं तो फिर उसके ऊपर भी कोई इश्यू नहीं है, लेकिन वो ऐसी ना हो कि जिसके अंदर आपका मतलब जो चीजें लाइक कॉन्टैक्ट या ईमेल या मोबाइल नंबर या ऐसी चीजें हैं वो ना लिखी होनी चाहिए, ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए। ओके सर, बाकी तो आप उसे भेज सकते हैं, ऐसा इश्यू नहीं। आपकी ब्लॉगिंग की वेबसाइट है आपने बनाई हुई, आप उसे भेज सकते हैं क्लाइंट को कि मैं आपको, और लोग भेजते हैं, लोग बनाते हैं फाइवर के ऊपर सर्विसेज दे रहे हैं कि आई विल पब्लिश यूर आर्टिकल ऑन माई DA55 ब्लॉग, ये नहीं सर्विस आपने देखी? जी, और किसी का कोई सवाल बाकी है? एक ऐसा होता है कि जो टेस्ट है वो आपको अगर मैं बताऊं तो कभी कभार फर्स्ट गिग पे आ जाता है और कभी कभार साथ पे भी नहीं आता है, तो इस चीज से घबराना नहीं है आपने गिग को पब्लिश करने के लिए, तो अगर आ जाता है तो फिर देना पड़ेगा, अगर नहीं आता तो फिर आपको इतना इश्यू नहीं है। अच्छा, आथर को फाइंड करने का तरीका ये है कि आपको फेसबुक और लिंक्डइन इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिससे आपको ऑथर मिल जाएगा, वहां आप लिख सकते हैं कि आई नीड ऑथर ऑफ फलां, ये जो भी वेबसाइट है उससे आपको ऑथर
का कॉन्टेक्ट मिल जाता है। सर ये टेस्ट जो पास होता है ये कंटेंट राइटिंग वगैरह के लिए होता है ना, गिग वगैरह के लिए इस तरह के? गेस्ट गेस्ट पोस्टिंग के लिए भी होता है, गेस्ट पोस्टिंग का भी होता है, कंटेंट राइटिंग का भी होता है, एससीओ का भी होता है। तो हर तरह का अलग, हर सर्विसेज जो आप दे रहे होंगे उनका अलग अलग टेस्ट आपके पास शो होता है। अगर आप एक सर्विस दे रहे हैं तो एक ही दफा आपको टेस्ट देना पड़ेगा, ज्यादा नहीं देना पड़ेंगे। ओके सर, चले ठीक है। होपफुली आप सब लोग के सवाल क्लियर हो गए हैं, जो चीजें मैंने बताई हैं वो आपके काम आई होंगी, टाइम आपका जाया नहीं हुआ होगा। और बाकी मैंने अपना नंबर शेयर कर दिया है, जिस जिसको कोई अगर क्यूरी होती भी है तो वो मुझसे पूछ सकता है। और मेरी एकेडमी कराची में है, मैं कराची में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करवाता हूँ, प्रैक्टिकल जीबीओबी जो गैस पोस्टिंग है उसका कोर्स भी करवाता हूँ। अगर कोई कराची से हो तो वो भी आ सकता है, और अगर सिंध से जो लोग पंजाब कोर्स करने जाते हैं वो बिल्कुल भी मत जाएं, और वो यहाँ आके प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कर सकते हैं, और यहाँ सिंध के अंदर ही उनको ये चीज अवेलेबल मिल जाती है। बाकी ऑनलाइन कोर्स मैं नहीं करवाता, सिर्फ इसलिए करवाया था कि जाओ जिन लोगों की कुछ क्यूरीज वगैरह हैं, कुछ लोग समझना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं, तो उनके जो सवाल आते हैं वो ताकि क्लियर हो जाए। थैंक यू सर। मैं नंबर अपना दोबारा शेयर कर रहा हूँ, किसी को चाहिए हो, किसी ने राबता करना हो तो इस पे कर सकता है। चलें ठीक है, क्लास को एंड करते हैं। आप लोग के सारे सवाल होपफुली क्लियर हो गए, तो इंशाल्लाह जिंदगी रही तो शायद कहीं मुलाकात हो, तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।